नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कन्या राशि वालों। दोस्तों 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर का ये जो आपका सप्ताह है दोस्तों, यश में आप सभी के जन्मकाल में खुशियों का भूचाल आने वाले हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि व्यक्ति के जन्मकाल में जो भी घटनाएं होती है, जो भी बदलाव होते हैं, उनका मुख्य कारण, मुख्य वजह ग्रहों की बदलती चाल होती है। ये दोस्तों अगर व्यक्ति के जन्मकाल में ग्रहों की शुभ स्थिति है, अगर उनकी जो राशि है ग्रहों से शुभ भाव में है, तो दोस्तों उनको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। उनके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, जिन कार्यों में उन्हें मन नहीं लगता है दोस्तों, वही कार्य भी उन्हें करने में मन लगने लगेंगे। ऐसे ग्रहों की शुभ स्थिति है तब ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर ग्रहों की अशुभ स्थिति होती है, जब ग्रहों की विपरीत स्थिति होती है, तो दोस्तों आपको अशुभ परिणाम ही देखने मिलते हैं, चाहे वो आप कितना ही ज़्यादा मेहनत क्यों हो। जिन कार्यों को आप नहीं भी करना चाहते हैं, वही कार्य यश में आपको करने को मिलते हैं। जी दोस्तों, तो आपको बता दें कि ग्रह जब भी अपने चाल बदलते हैं, तो दोस्तों हमारी राशि पर, हमारे जन्मकाल पर इनका प्रभाव होता है। जी दोस्तों, और यश में भी ये जो सप्ताह है आप सभी के जन्मकाल में ग्रहों की बदलती चाल बहुत ही बड़े चमत्कार करने वाले हैं। आप सभी के जन्मकाल में खुशियों का भूचाल लाने वाले हैं। इसका मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ग्रहों की जो शुभ स्थिति है, इनमें आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ कई बड़े ऐसे कामयाबी मिलने वाले हैं, जिससे दोस्तों समाज में भी आपका मान सम्मान और इज्जत पर प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, आप इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में, अवधि में आपको वह कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली है, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ेंगे। आपको यश में कौन सी युवा सफलताएँ व कौन सी कामयाबी मिलने वाली है, जिनसे आपके समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होने वाली है। इनके साथ ही बात करेंगे आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी अपने माता पिता से सच्चे प्रेम करते हो, वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातों से, जो कि आपको यश में ध्यान में रखना है। दोस्तों जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जी दोस्तों, अगर आप अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच चुके हैं, तो दोस्तों आप भी अपने जीवनकाल में स्थिरता बनाइए और शांत रूप पर आप अपने जीवनकाल में मेहनत करते जाइए। जी दोस्तों, और यह पूरे सप्ताह आप शिव के जीवनकाल में ऐसी घटनाएं होंगी कि आपको सफलताएं मिलेंगी, तो दोस्तों फिर भी आप इसमें शांत रहें और अपने कर्म को करते रहें। जी दोस्तों, यही आपको इस सप्ताह में ध्यान में रखने हैं। दोस्तों यदि आपको यह बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आए दोस्तों से ये साथ बात करते हैं कि इन 7 दिनों में आपके जीवनकाल में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली है। दोस्तों यश में आप आराम तथा परिवार के साथ समय व्यतीत करने के मूड में रहेंगे। किसी लाभदायक महत्वपूर्ण सूचना के मिलने से आपके मन में प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा। दोस्तों यश में ग्रह गोचर की स्थिति आपके पक्ष में रहेगा। साथ ही दोस्तों घर के बदलाव संबंधी कोई योजना भी यश में आप बना सकते हैं। धर्म कर्म और अध्यात्म में आपका विश्वास बना रहेगा। इसको उपरांत ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, तो दोस्तों किसी नज़दीकी व्यक्ति से बात बात होने की आशंका लग रही है। हालांकि आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थिति को संभाल लेंगे। विद्यार्थियों का ध्यान जो है पढ़ाई से भटक सकता है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपको समय व्यर्थ ना करना चाहिए। दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। दोस्तों यश में आपको अपने अंदर की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि दोस्तों परिस्थिति आपके खिलाफ होने के कारण व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक बातों का असर जो है आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। लोगों के प्रति बढ़ती बदले की भावनाओं को मिटाने की यश में कोशिश करें, इनसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों में यश में आपको परिवर्तन करने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जुम्मे होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों को भी आपकी तरफ आकर्षित करेगा। रिश्त प्रवृत्ति के कार्यों से जो है आपको इसमें बचना चाहिए। तो दोस्तों सुकून और आराम पाने की चाह में कुछ समय मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। परंतु दोस्तों यश में कोई भी महत्वपूर्ण योजना बनाने से परहेज आपको करना चाहिए। मन में कुछ चंचलता जैसी स्थिति भी रह सकती है। दोस्तों आपके अंदर जो है कुछ ईगो की भावना जैसी उपज सकती है, और दोस्तों अगर आप ऐसे भावनाओं को करेंगे तो आपके कार्य में नुकसान हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी से आपको बचना चाहिए। अगर इसे सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपको उचित परिणाम यश में मिलने वाले हैं।
और इसके प्राण दोस्तों यशुमय आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि जिन बातों का डर आपको सता रहा था दोस्तों, उनको मिटाने का मार्ग आपको यशुमय प्राप्त होगा। दोस्तों पैसे से संबंधित निर्णय लेते समय हड़बड़ी न करें, लोगों को परखने में गलती होने की भी वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान में और जल्दबाजी में आप कार्यों को यश में ना करें। शादी दोस्तों यश में आपको बता दें कि मिले विषय को याद रखकर आपको यश में बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यश में आपके जो भी गलती होंगे उनसे आप कुछ ना कुछ यश में सीख ही पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आप ऋषि होंगे, आपको बता दें कि आपका अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण आपके कई कार्यों को हल करने में भी सक्षम करेगा। इसको प्राण दोस्तों किसी समाज सेवी संस्था में आपके विशेष योगदान व फिर निष्ठा की वजह से आपको इसमें मान सम्मान और इसमें भी वृद्धि होने वाली है। इसको प्राण दोस्तों यश में युवा वर्ग तथा विद्यार्थियों को विशेष कार्य की सफलता मिल सकती है। जो भी आप यश में विशेष कार्यों को कर रहे हैं यश में, उनमें आपको कामयाबी हासिल होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि इमोशनल होने के बजाय यश में आपको प्रेटिला सोच रखकर लाभदायक स्थितियों का आनंद लेना चाहिए, ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे। इसको प्राण दोस्तों अगर किसी प्रकार के परिवर्तन संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों यश में उस पर महत्वपूर्ण बातचीत संभव होगा। घर में बच्चों के पढ़ाई के प्रति आपको आकर्षित रहना और फिर अनुशासित रहना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अस्वस्थता की वजह से कुछ काम भी यश में रुक सकते हैं, तो दोस्तों यश में लापरवाही ना बरतें, स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति भी कभी कभी रहेगी। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए शांत चित्त रहकर आपको अवलोकन करना चाहिए कार्यों को, और दोस्तों अपनी ऊर्जा को आपको इसमें सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे बेहतर होगा। और अगर आप इनमें इस्तेमाल कर लिए तो ये पूरे समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम में अधिक व्यस्त रहने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति आपके पक्ष में ही रहेगी, लेकिन अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता इसमें होने वाली है। पैसे आसानी से कमाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मिले हुए अवसर का पूरा इसमें आपको फायदा उठाना चाहिए, आलस्य से इसमें आपको दूर रहना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग से आपका रुका हुआ काम भी बन सकता है, इसलिए प्रयासरत समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, यश में प्रयास करते रहें। दोस्तों कार्य क्षेत्र में अस्त व्यस्त गतिविधियाँ जो व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी, परंतु कोई भी कार्य शुरू करना आपके लिए पहले उनकी रूपरेखा अवश्य बना लें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसायिक स्थल पर अपने कार्यों तथा योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों दूसरों का हस्तक्षेप आपके बनते कार्यों में कुछ रुकावट भी डाल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आय के साधन इसमें बढ़ेंगे, कोई भी रिस्क लेने से आपको इसमें परहेज करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, बता दें कि कार्य क्षेत्र में काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, कोई बड़ा ऑर्डर भी यश में आपको मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए मार्केटिंग संबंधी अपने सूत्रों को और अधिक बढ़ाएं, कार्य संबंधी कुछ परिवर्तन भी होने वाले हैं, इनका योग यश में बन रहा है। परंतु दोस्तों कोई भी फैसला लेते समय आपको सोच समझ कर उस पर विचार करना चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों युवा वर्ग को किसी काम से संबंधित पहली पेमेंट आने से आपको प्रसन्नता प्राप्त रहेगी, और व्यावसायिक गतिविधियां अभी धीमी तो रहेंगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पेमेंट आदि आने से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर बनेगी और आप यश में पूरा गदगद भी रहने वाले हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम में किसी प्रकार की बदलाव होने से तनाव भी रह सकता है, लेकिन दोस्तों आप काम को करते रहें, आपको आगे चलकर इससे फायदे होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए सुनूंगी, आपको बता दें कि दोस्तों यश में पति पत्नी का जो है एक दूसरे के प्रति सहयोग यात्मक रवैया घर के सुख शांति बनाकर रखने में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि संतान की कोई परेशानी आपको व्यथित रह सकती है, इसलिए दोस्तों यश में आपको संतान से लेकर सावधान रहना चाहिए, उनकी हर एक बातों पर आपको कड़ी नजर रखना चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां यश में आने वाली है। पति पत्नी में किसी समस्या को लेकर नोकझोंक भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी रहेंगी, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि आप समझदारी के साथ परिस्थितियों को भी यश में संभालेंगे। दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लिए कैसे रहेंगे, दोस्तों आपके लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे, दोस्तों अपनी योजनाओं और अपने कार्य की जीवन साथी की सलाह इसमें आप जरूर लें।
दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए ये जो सलाह है जीवन साथी की फायदेमंद साबित होंगी। तो दोस्तों कोई भी कार्य करें इनकी आप सलाह जरूर लें तथा परेशानियों को हल करने में भी ये आपको सहायता करने वाले। तो दोस्तों यश में आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए और कोई भी कार्य करने से पहले अपने जीवन साथी का यश में आपको सलाह ले लेना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने खान पान को संयमित रखें, बदहजमी की वजह से लीवर संबंधी दिक्कत आ सकती है तो दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए यश में नुकसान का कारण बन सकता है तो दोस्तों बिल्कुल भी लापरवाह यश में ना बने। साथ ही ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह संबंधी जिसको भी परेशानी है वह इसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरते, ये आपके लिए बहुत ही गंभीर साबित होंगे। अपनी नियमित जांच इसमें आप अवश्य करवा लें, ये आपके लिए इसमें बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों अंत में आपके स्वास्थ्य के लिए क्या समय रहेंगे आपको बता दें कि दोस्तों भरपूर नींद ना लेने की वजह से आपको थकान भी रहेगी। किसी पारिवारिक वरिष्ठ व्यक्ति की स्वास्थ्य को लेकर इसमें आपको चिंता सता सकती है तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर सावधान रहें और कार्य करते समय अपने स्वास्थ्य का भी इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहें, ये सभी चीज़ आपके लिए बेहतर होंगे।